हाय, मैं भूमिका नंदा विजन वेलबींग से। आज मैं आपको रसोई घर में एप्रोन के इस्तेमाल के सुरक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए और बताइए, भला हम एप्रोन का इस्तेमाल रसोई घर में ही क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों की यही सोच है कि एप्रोन हमारे कपड़ों को तेल या खाने के छींटों से बचाता है। ये तो है, पर इससे हमारे शरीर को कैसी सुरक्षा मिलती है? ये हम सबको पता है कि खाना बनाना ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों का काम है, और महिलाओं या लड़कियों का आभूषण साड़ी या सलवार ही होता है। जब महिलाएं या लड़कियां गैस के चूल्हे के पास झुककर खाना बनाती है, तभी साड़ी का पल्लू या सलवार की चुनरी लहराते हुए गैस के आग के पास आ जाती है, जिससे आग लगने का संभावनाएं रहती है। तो आइए जानते हैं इसके प्रतिकार के बारे में। हमेशा रसोई घर में कॉटन की एप्रोन और कॉटन के कपड़े पहन के खाना बनाएं और अपने शरीर को आग के खतरे और तेल और खाने के छींटों से बचाएं। हमारा लक्ष्य सुरक्षा सीखना, सिखाना और उस पर अमल करना है। धन्यवाद।